छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस पार्टी के सुप्रीमो अजीत जोगी ने भूपेश बघेल सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि प्रदेश सरकार आशा के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है। उन्होंने कहा था कि प्रदेश में पूरी शराबबंदी कर देंगे, लेकिन यहां तो शराब मंडी कर दी गई है। सरकार गांव गांव में शराब बेचने में लगी है। किसान और युवा परेशान हो रहा है, किसानों को भिखारी बना दिया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जब कार्य करने का मन नहीं होता तो कमेटी बना देते हैं। छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के सुप्रीमो अजीत जोगी ने भूपेश बघेल सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार अपने कोई भी वादे पूरे नहीं कर रही है। प्रदेश का किसान परेशान हो रहा है, उसकी धान की खरीदी सही दाम में नहीं की जा रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को जब कार्य नहीं करना होता है तो वो कमेटी बना देते हैं। निकाय चुनाव को अप्रत्यक्ष प्रणाली से कराए जाने को लेकर राज्य सरकार को आड़े हाथों लेते हुए जोगी ने कहा कि अप्रत्यक्ष चुनाव कराकर कांग्रेस अपनी चाल में कामयाब हो गई। सरकार ने प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी कराने की बात कही थी, लेकिन भूपेश बघेल सरकार ने यहाँ शराब मंडी बना दी है। सरकार गांव गांव जाकर शराब बेच रही है। एक गांव में चार दुकानों में शराब बांटी जा रही है। ये सरकार जो मुद्दों पर बनी थी, जिस आशा और उम्मीद के साथ बनी थी, वो सब बातें पूरी नहीं कर पा रही है। इन्होंने कहा था हम पूरी शराबबंदी कर देंगे, यहाँ तो पूरी शराब मंडी खुल गई। गांव गांव में सरकार खुद ही दारू बेच रही है और एक एक गांव में चार चार पांच पांच जगह से दारू मिल रहा है। इन्होंने कहा था प्रदेश में कोई भी बेरोजगार नहीं रहेगा और अगर रहेगा तो उसको माहवारी रोजगारी वेतन भत्ता देंगे, शायद संभवतः 2100 रुपये का इन्होंने वादा किया था, वो भी नहीं कर रहे हैं। एक जो सबसे बड़ी तकलीफ आजकल हो रही है वह यहाँ के किसानों को हो रही है, धान खरीदी को लेकर। बोल तो जरूर दिया है कि 2500 में खरीदेंगे, पर अभी वो 1815-1835 में खरीद रहे हैं और 2500 के लिए कमेटी बना दी। अजीत जोगी ने कहा कि सरकार का पैसे का प्रबंधन बिल्कुल नहीं है, किसानों को परेशान किया जा रहा है, किसानों को भिखारी बना दिया गया है। सरकार कहती है कि एक खरीदी केंद्र से समिति धान खरीदेंगे, उससे ज्यादा खरीदी नहीं होगी। पैसे का प्रबंध ना होने के कारण सारे विकास कार्य ठप पड़े हुए हैं। ना तो ठेकेदारों को कार्य के लिए पैसा दिया जा रहा है, ना ही अधिकारियों को। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।